तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो भाई सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई साहब, बारिश हटी है शाम को। ओके, रात को बारिश आई थी और सुबह का भी बादल बने हुए हैं ऊपर। अभी हल्का सा क्लियर लग रहा है, मगर बादल बारिश का वजह कुछ पता नहीं। इस टाइम सावन का महीना हो चुका है शुरू, और कल भी बहुत तेज़ बारिश आई थी, आज भी आने की संभावना है। ये पौधे देखो क्या मस्त मस्त, ये पौधे 2 दिन में इतने मधुमक्खी आ रही भाई, 2 दिन के अंदर ही पौधे इतने हरे भरे हो चुके हैं हमारे। और भाई साहब प्राजक्ता का फूल भी मैं आपको बैक कैमरे में दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सा पर्पल कलर का प्राजक्ता का फूल भी खिलना शुरू हो चुका है। और कौन से भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है प्राजक्ता का फूल, एक बारी कमेंट्स करके बता देना, मैं बैक कैमरे में दिखा। तो गाइज़ ये हमारे प्राजक्ता की फूलों की बेल है, एक ये उगर रहा है, एक ये है और एक ये भी है। ये देखो ये उगनी शुरू हो गई है, ये है सदाबहार के, आपको तो ये सारी चीज़ें बताऊँगी। और ये वाइट वाले चमेली के फूल, ये भी उगना स्टार्ट हो चुके हैं। अब फूलों की बाहर आ जाएगी, गुलाब हमारा पिंक वाला है, ऊपर भी फूल लगे हैं। फूल है ना ये भाई साहब, हमें ना याद दिलाते हैं 15 अगस्त की। जब भी 15 अगस्त आने, ये हमारे घर में पौधा बहुत पुराना लगा हुआ है, और जब भी 15 अगस्त आता है ना, तो ये फूलों को देख के पता लगता है कि 15 अगस्त आने वाला भी है। इसी मौसम में नाम नहीं, खैर मुझे पता, मुझे किसी का भी नाम पता नहीं है, पर आज तक बता था मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका आपको फूलों का नाम पता है तो कमेंट्स करके बता देना। सुंदर सुंदर फूल, कई पौधों की मुझे कोई जानकारी है, कईयों की नहीं है भाई साहब। बहुत सारे गमले यहाँ पर भी पड़े हैं, वहाँ पर भी पड़े हुए हैं, और इस टाइम मौसम बहुत बढ़िया, बारिश का हो गया, फिर दोबारा से बारिश आएगी। बस अब नीचे जाते हैं, नाश्ता करते हैं, शॉप पे जाने की करते हैं। तो गाइस काकू की मैंने करा दी है छुट्टी, और वो अभी सो रहा है, हड़का तो शुरू हो गया, पीछे मकान में काम हो गया। और काकू की मैंने करा दी है छुट्टी, बस अब नीचे जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे। हमारी बगिया का सुंदर सा पिंक फूल हमने माता रानी के चरणों में चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल प्यारा सा, एक साईं बाबा जी के चरणों में चढ़ाया हुआ है। पूजा हमारी हो चुकी है जी, और बस अब आज थोड़ी सी जल्दी पूजा कर ली थी हमने, बस मंदिर के दर्शन कर लीजिए, मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। जय माता। सावन की बारिश भाई साहब, मस्त वाली बारिश हो रही है भाई साहब, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लाइटें जल गई हैं गाड़ियों की, का नज़ारा बारिश का एक घंटा हो गया। और भैया लगातार बारिश आ रही है, लगातार बहुत तेज़ बारिश आ रही है, 1.5 घंटा हो गया। सार्थक के साथ जाना था मुझे डॉक्टर के पास, और मगर अब कैंसिल हो गया भैया, शाम को निकलेंगे, 5 बजे के आसपास निकलेंगे हम, क्योंकि अभी मैंने सार्थक को कहा था मैं शॉप खोल के भैया अभी आ जाऊँगा, मगर बारिश ने हद कर दी है। तकरीबन 1.25 घंटा हो गया और लगातार बारिश हो रही है भैया। सावन अब आ गया, पता लग रहा है सावन आ गया। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, सार्थक गया हुआ है अंदर थेरेपी कराने के लिए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ, मैं शॉप छोड़ कर अब आ गया, और शंभू भैया बैठे हुए शॉप पर, और सार्थक करा रहा थेरेपी। मैंने कहा भैया एक बार, क्योंकि उसके ना शोल्डर में पेन ज़्यादा हो रहा था और थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर उसमें स्कूटी वगैरह चला कर आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अंदर थेरेपी करा रहा है साथ। अच्छा लग रहा है क्या फील हो रहा है? खिंचाव फील हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, ऐसे इतनी सारी तारा लगे सानू पता नहीं लगे केड़े केड़े तारा है, क्या ना ये क्या तार जा रही है, ये क्या तार जा रही है, ये क्या तार जा रही है, तीन लाख तो लगाए हैं अभी शोल्डर की। थेरेपी होती है एक तो ये लेजर वाली होती है, ये इसमें अलाउड नहीं अंदर जाए, थेरेपी ये है ये वाली, एक ये वाली लेजर थेरेपी हो गया, ये वाली है, तीन थेरेपी होती है। बैग देखने आ गया था, चाहिए था स्कूल बैग, और ये सारे ये लोग फ्रेंडशिप बैंड आने, ये सारे फ्रेंडशिप बैंड है, फ्रेंडशिप डे आने वाला है, ऐसी चीज़ें करो यार, करवा दो। ये कितने का फैन है ये वाला, और ये बॉल ये वाली जो ये वाली भैया, ये बॉल 90 रुपये, ये आजकल ये बॉल बड़ी चल रही है। कुकर के सिटी के अंदर क्या बन रहा भाई, कुकर की सिटी में मटर पनीर, अच्छा अभी शेक आया हुआ है साथ में, सार्थक का दो लंच करने आया था, और बस सार्थक को लेके आया फिजियोथेरेपी के लिए, मगर लंच भी कर लेते हैं साथ साथ, थोड़ी देर के लिए शॉप पे चले गए थे। सार्थक का फ्रेंड है अभिषेक, वो भी उसका हालचाल पूछने आ गया था, वही हॉस्पिटल में ही आ गया था वो मिलने के लिए। अब तीनों जने फिर हम इकट्ठे साथ साथ आ गए हैं, बस अब ये दही आया, दही की डलेंगे पकौड़ियाँ, आलू मटर पनीर की सब्जी है, और सलाद है, रायता है, सारी चीज़ें वहाँ पर करेंगे लंच बढ़िया सा, ठीक है। अभिषेक को बोला लंच करके जाएगा, ठीक है, और बस अभी मिलाते हैं अभिषेक को आपसे हॉस्पिटल में, तो बात नहीं हुई, फटाफट आया और फटाफट हम निकल गए,
अभी उनसे भी आपको मिलाते हैं। कुकर की लगातार सीटियाँ मस्ती जा रही हैं भाई, और हम अपना काम कर रहे हैं दही फैट के रायता डालने के लिए। ये हमारा बीटर है, दही बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाता है इससे खाना ना, दही की पकौड़ियाँ। तो गाइस सार्थक का फ्रेंड आया हुआ है अभिषेक, मिल लीजिए। पहले भी आप मिले हो ना सारे इनसे? हाँ, तो हॉस्पिटल में ही आ गया था, हम साथ साथ आ गए थे। और सही है, सब बढ़िया। अभी मैंने अंडर का ब्लॉग देखा, पता चला कि सार्थक की थोड़ी इंजरी हो गई है। तो चलो बहुत दिन हो भी गए हैं और इंजरी हो गई है, तो इससे मैं पूछ लूँ हाल चाल आके। तो आ गया, चलो बढ़िया, अच्छा किया बेटे आ गए हो। तो लंच भी तैयार हो रहा है, फटाफट लंच भी करके साथ में जाना। और हाँ जी, आपकी तैयारी सही है? कहाँ जाने की तैयारी है? ट्यूशन जाने की, पढ़ाई वढ़ाई सारा होमवर्क कर लिया है? स्कूल का पूछ ले क्या क्या होमवर्क हुआ था। तो गाइज आज भी काकू की छुट्टी करा दी गई है, अब कल से जाएगा रेगुलर कॉलेज, मतलब कॉलेज ही नहीं स्कूल। कॉलेज तो तेरे एक तरीके से शुरू होंगे ना, 1 अगस्त से शुरू हो कॉलेज नया सेशन। चल भैया कल से स्कूल जाना है, तूने सारे होमवर्क पूछ ले और सारे शाम तक सारा काम कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है ना? अब सही है, दर्द हो रही है? एंटीबायोटिक खा ली? कर चुका है डॉली ने, सैलरी काट लिया है, हरी मिर्च किसने रखी है अभिषेक के लिए, वो खाता होगा। हाँ अभिषेक खाता है हरी मिर्च। चल पनीर भी काट के डाल दे करो, ठीक है ना? बस ये बन गया कुकर में, अब ये डाल के करो में। बढ़िया से आलू मटर पनीर की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है भाई साहब, क्या रोकर आया। तो गाइस अभी मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे बैठा बैठा, अभी चाय वगैरह पी थी, और तो कढ़ी चावल की रेसिपी थी बहुत बढ़िया। तो मैंने डॉली को कॉल किया, मैंने कहा भैया रात को ना कढ़ी बनाते हैं। डॉली ने मना कर दिया, कहती सावन का महीना है कढ़ी नहीं खाते हम लोग। मेरे पास एक फिर कस्टमर आ गया, मैंने उससे पूछा नहीं भाई क्यों या रीज़न क्या है रीज़न। अब गाइस आपको बताऊँ तो बता देने, सावन के महीने में कढ़ी क्यों नहीं खाते भाई। अब मैंने डॉली को बोला कि कढ़ी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, कह रहे कि आप सावन के महीने में तो बनेगी नहीं कढ़ी। तो अब घर जाके पूछूंगा भैया रीज़न क्या होता है सावन के महीने में क्यों नहीं कढ़ी खाते। कल बुधवार है, कल बनाएंगे बढ़िया से डिश। और बाहर का मौसम देख लो, बारिश होने के बाद क्या तेज़ धूप निकली और बिल्कुल बाहर हुमस वाले ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी हो गई है। ये सब लोग डॉली भी किचन में खाना बना रही थी ना, पूरा पसीना पसीना भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है मौसम हो गया बाहर। गाइस शायद कल डोसा डोसा बनाने का सीन हो, डॉली का कह रही थी नारियल ले आना, मूंगफली ले आना, चने ले आना, चटनी बनानी है। अब भैया आज ट्यूसडे मार्केट लगी है, मैं तो अभी फ्री हो गया था, बस टाइम हो चुका है घर पर जाने का। और बाहर भैया आज ट्यूसडे मार्केट और रश मस्त वाला हो रखा है इस टाइम। आज तो काम कर करके थक गया भाई साहब, को सामान सामान निकाला था पीछे से, इतने सारा सामान सामान निकाल के सेटिंग किया, थोड़े से जो नया माल आया हुआ है उसकी सेटिंग करनी है, सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखना है। बस अब जा रहा हूँ मार्केट, नारियल वाले को नारियल लेते हैं नारियल वाले से, और बाकी और सामान लेके भी। बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर आए थे हमारे दिलजीत जी और कौर, और वो ऑस्ट्रेलिया से थे और यहाँ पर आए हुए थे, बस तिलक नगर मार्केट आए थे तो मिल के गए हैं, और अच्छा लगा मिलने में। और सब्सक्राइबर आते हैं देखो खुशी होती है, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका दिल से। चलो नारियल ले लेते हैं भाई, सब नारियल छील रहे हैं, इनका कला बड़ी शानदार है। अभी पूरा साबुत का साबुत नारियल निकाल देंगे। अभी मार्केट में रौनक हो रही है बहुत ज़्यादा है, रश भी है ना, ये आपकी आर्ट होती है। ले लाते हैं 10 रुपये इसमें से पानी टूटेगा तो नहीं है, सारा पानी इसी के अंदर होगा, बहुत हैवी पानी है इसके अंदर। नारियल कितने थे? पूरा नारियल के 50 रुपये पूरा साबुत नारियल निकाल दिया एकदम भैया ने, बिल्कुल बिना क्रैक, और इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। एक गिलास पानी निकले, एक गिलास पानी है इसके अंदर। काकू की एक्टिविटी बनाई जा रही है, ये सार्थक का पीनट बटर वाला डब्बा है, और इसका बढ़िया बनाते स्वाद बना दी है। हमारे पास ना खाने वाली ये शुगर कैंडी है, काकू शुगर कैंडी लगा दी मैंने, ये इसकी हेल्प कर दी भैया, मैंने कहा चल यार हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दी है, आधे नंबर मुझे दे दियो, आधे नंबर मेरे को दे देगा, हेल्प कर दी मैंने इसकी। इसमें आप पौधा सुबह सुबह ले जाइयो, ठीक है ना, डाल ये इसके ऊपर गमले में ऐसे पौधा आ जाएगा, ये पगड़ी बन गई है। हमारे भाई साहब जी तैयार हो गए, ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं। आँखों का आइडिया मैंने ही दिया था, आँखों का आइडिया इसने दिया था कि आँखें शुगर कैंडी बनेगी आँखों वाली, डेकोरेट करना है इसकी लिप्स वगैरह सारी चीज़ें बनानी है, कलाकारी दिखा रहे बेटे। मैं जा रहे हैं मार्केट, ट्यूसडे मार्केट लगी हुई है कल के लिए, सब्जियाँ वगैरह या कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए चाहिए। हम दोनों जाएंगे ट्यूसडे मार्केट और वहाँ से लाएंगे सब्जियाँ। डॉली बना रही है अभी अपने लिए, ठीक है जी। और डॉली से पूछ रहे भाई कढ़ी क्यों नहीं खा सकते सावन के महीने में, तुझे पता है काकू? नहीं पता ना, पीली होती है ये क्या मतलब, लॉजिक हुआ भाई पीली होती है। अब मैं मम्मी से पूछता हूँ।
खाना बनाते बनाते भाई सिलेंडर लिख दिया 23-23 है आज 23 है तो मैंने गैस के सिलेंडर के ऊपर लिख दिया 23 तारीख को खत्म हुआ भैया हमारा सिलेंडर चेंज कर दिया हमने पिछली बार भैया फिर आपने लिखा था पिछली बार नहीं लिखा डॉली जी? भाई मेरे को नहीं एक चीज मैं दोपहर को ना मैंने तेरे को कॉल किया था तूने मैंने कहा था कड़ी चावल खाने का दिल कर रहा तूने तुरंत मना कर दिया कड़ी नहीं खानी सावन के अंदर रीजन क्या होता है लॉजिक क्या है मुझे बता भैया पहले सबसे हमारे तो पता ही नहीं है पहले हमारी जनता जानना चाहती है कौन मना करता है ललिता भाभी कह रही थी कि पहले बना के खा लो तो सावन में कड़ी नहीं बनती ललिता भाभी कहती हाँ ललिता भाभी से पूछो मुझे भी रीजन नहीं पता कहते एक दो अभी दो तीन दिन रह गए सावन को कड़ी खा लो नूडल्स तो हम खाते ही नहीं है तो बाकी कड़ी का मुझे नहीं पता जो सही में पता सोनिया भाभी ललिता भाभी को पता होगा मेरे को भी वो चीज समझना भी है मैं पूछने भूल गई मैं फटाफट पता नहीं किसने हवा लगाया आ गई फिर बाद में मैं भूल गई भाभी से पूछने की क्यों नहीं खाते हूँ ललिता भाभी से साथ में सब्जी सावन में कड़ी क्यों नहीं खाते क्या कर रही है भाभी जी हमारी जनता का एक सवाल था मेरा भी सवाल था मैंने डॉली से पूछा डॉली कहते पता नहीं मम्मी मना करते थे ललिता भाभी को शायद पता होगा मैं एक बार पूछ लेता हूँ भैया कड़ी सावन में कड़ी क्यों नहीं बनाते नहीं पता है नहीं पता इतना पता कि मम्मी कहती थी कि कड़ी सावन में नहीं बनाते चाउमीन वगैरह तो ये चीजें तो हम खाते नहीं क्योंकि गुग्गा पूजते हैं चाउमीन और मैगी हाँ क्योंकि हम गुग्गा पूजते हैं ना जन्माष्टमी से अगले दिन गुग्गा पूजा जाता है और जो गुग्गा पूजता है तो ऐसी चीजें नहीं काकू नहीं करते सांप जैसे हैं स्नैक जैसे होते हैं तो ये नहीं खाते हमें तो इतना पता है कि भाई मैगी नहीं खानी मैगी हमारे घर वैसे कोई नहीं खाता कल्लू खाता नहीं है भैया खाते नहीं है चीना खाती नहीं है कौन खाता है मैगी खाता नहीं हमारे चाउमीन कभी कभी लिया नहीं काफी लोग हैं सावन में कड़ी जैसे नहीं खाते एक आंटी जी भी आई थी तो दोपहर को उनसे पूछा कहते हम भी नहीं खाते सावन में कड़ी नहीं पूछा नहीं एक हाँ ये पूछना मैं भूल गया कस्टमर था ना मेरे पास तो मैंने आज कड़ी चावल का ब्लॉग देखा था किसी का देख रहा बड़ा अच्छा दिल कर रहा था मैंने डॉली को फोन किया मैं कड़ी चाय कहते नहीं सावन में नहीं खाते नहीं सावन मैंने कहा अच्छा जी चलो भैया महीना सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा 19 तारीख को व्रत भी है उस दिन और अखड़ी भी है क्यों क्यों पंगा ले रहे हैं चला जाओ ट्यूसडे मार्केट आ जाओ फटाफट जल्दी आ जाओ काकू आ जाओ ये ना पूछना पड़ेगा अच्छा हाँ पूछना पड़ेगा एक बार देखता हूँ सोनिया भाभी से पूछता हूँ नहीं सोनिया को भी नहीं पता होगा हम अपने बड़े बुजुर्ग जो बड़े बड़े हैं ना ताई जी वगैरह की बुआ वगैरह उनसे जाके पूछते हैं कि हमें यह क्वेश्चन एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया हमें वो ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई रीजन था रीजन तो होगा तभी लोग मना कर हमारी मना करते हैं मैं गूगल में चेक करता हूँ सारी बातें छोड़ गूगल में चेक कर कि गूगल भाई हमें ये बताओ कि सावन में कड़ी क्यों नहीं खाते हमारी मदर हमारी तो मम्मी मना करती थी अब आप बताओ क्या रीजन हाँ रीजन क्या एक बार गाइस अगर आपको किसी को पता तो कमेंट्स करके बता दो ठीक है शिमला मिर्च ले लेते हैं ठीक है लेना है अच्छा सारे पीस चलो मियां जी तोलो एक बार तोलो आप स्मॉल वाला तोलो मीठे वाला 2 किलो 300 और ये वाला छोटा मीठा कौन सा होगा दोनों मीठे पक्का ये दुकान के बाहर ही खड़े हो खड़ा ही होता हूँ मेरे को 25 साल है ये मैं तो मियाँ जी आपसे पपीता भी लेता हूँ पपीता नहीं लाया आज पपीता 2-3 दिन आया गाड़ी बंद है और मसाले वाला मैं बेचता नहीं हूँ अच्छा हमारे तरबूज हमने ले लिया भैया सुबह काटेंगे भूख लगाएंगे तब खिलाता हूँ तेरे को ठीक है ना शुक्रिया मियाँ जी शुक्रिया आप ये येलो कलर का लेके आया तरबूज कह रहा है कि पापा ये वाले से लेके चलो अब कटेगा तो पता लगेगा अंदर से येलो निकलेगा रेड निकलेगा वैसे साउथ लाइन वाली पापा लाते थे ये रेड होता था पूरा ये साउथ का है येलो निकलेगा मुझे नहीं पता पर मिल जाता है हाँ भाई काट के देखें काट के देखते हैं सुबह लेके जाने तो आपको अभी लगानी पड़ेगी अभी तो मंदिर खुला भोग लगा देते हैं लगा दो क्योंकि फिर कल सुबह लगा नहीं पाओगे ये लेके या तो आके खा लियो चलो इसको वॉश कह रहा स्कूल लेके जाना है पानी मत पियो फिर इसके ऊपर बिल्कुल भी और मेन चीज अपने पैरों का ध्यान रखियो बिल्कुल हाँ सीढ़ियों से तेज नहीं भागियो ना ही अब ये पट्टी वगैरह तेरी हो रखी है पूरा क्या करे लिफ्ट है तू रहने दे सीढ़ियों से चले जाएगा इतना नाजुक भी नहीं है मैडम जाते तो मैडम को जाने दे लिफ्ट नहीं जाते बच्चे नहीं अलाउड नहीं बच्चों को फिर तू अपना उसमें जाइयो ठीक है ना हमें काट के येलो कलर की तो निकला ये देखो अंदर से येलो भैया को पता होगा ना बेचता है हमें क्या पता भूख लगा के खा के
टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का और सवाल का जवाब नहीं मिल पाया भाई साहब, कड़ी किस लिए नहीं खाते हम सावन के महीने में? ललिता भाभी को भी नहीं पता, वो कहते पूछ के बताऊंगी किसी न किसी को बड़े को। अच्छा, तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं। हाँ नेट में देखियो, तो गाइस अभी मैं नेट में देख के सर्च करके बताता हूँ, सार्थक बताएगा। ऐसा कोई पुराने लोगों का मतलब कहना नहीं है, ये सिर्फ जैसे नॉर्मल है, जो जैसे अगस्त के महीने में बारिश वारिश होती है तो लोगों को डाइजेशन में दिक्कत होती है, इम्यूनिटी वाला मौसम होता है, उसी रीजन से कड़ी नहीं खाते। ऐसी कोई पुरानी मान्यता नहीं है कड़ी ना खाते। चल भाई कड़ी बना दियो, अब कड़ी बना दियो, ये लोगों के वैसे होते हैं। और मैंने भाभी से पूछो कि यार उनको पता होना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, सोनिया भाभी से पूछो, या वो सोनिया भाभी लेट गई है ना, जो जो हमारे जो बड़े बड़े हैं ना चाची वाची, हाँ उनसे पूछ लेंगे, मुझे भी नहीं पता यार इतना, तो मम्मी पहले बताया होगा तो हमारे दिमाग में नहीं है जो सही। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। सवाल अधूरा रह गया है।